सो कल रात को लेट इवनिंग में एमसीसी ने फाइनली अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया ऑफिशियली। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि ये जो नोटिस आया था इसकी वजह से हम सब ने अनुमान लगा लिया था कि 10-11 अक्टूबर के आसपास होने वाली है। ये नोटिस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए था जो कि 4 दिन पहले आया था, और इस नोटिस पे एक डेट लिखी हुई थी जिसकी वजह से सबको लगा और बिल्कुल ठीक लगा कि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि उनसे कहा गया था कि जो भी आपको अपना ये सर्टिफिकेट लेना है वो आप ले लीजिए बिकॉज काउंसलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर लाइकली। और फिर ये पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पर वो एलिजिबल है आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, राइट। और ये पूरी लिस्ट है, तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें फॉल करते हैं उन्होंने आई एम श्योर अभी तो देख ली होगी। हम इस पर समय नहीं लगाएंगे, आज को समय लगाने के लिए खास है ही नहीं। आपको काउंसलिंग शेड्यूल बता देता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना इसमें भी एक और ऐड होगा ब्रोशर, और वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो हमेशा कहते हैं ना, तो मैं उनको कई बार समझाता हूँ कि ठीक है मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, बट असली बात करने का टाइम आएगा जब यहाँ पर ब्रोशर आएगा और स्टेट बाय स्टेट भी ब्रोशर आएंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इतने चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्ट्रेटेजीज पे, हमारे हमारे अप्रोच पे। पहले क्विकली बात कर लेते हैं और आपको समझा देता हूँ इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए एमसीसी जो सभी जानते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट की काउंसलिंग करता है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करता है जिसमें हम एम्स जिपमर और एएमयू बीएचयू बोलते हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करता है एमबीबीएस एज वेल एज बीडीएस के लिए, करेक्ट। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कई बार समझा चुका हूँ जो आसान भाषा में केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी में कभी भी कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता अदर देन टाटा मणिपाल जिन्होंने रखा हुआ है झारखंड वालों के लिए, और उसके अलावा जनरली ड्यून में कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता, जनरली कोई कैटेगरी रिजर्वेशन भी नहीं होता, और सारी सीटें सभी के लिए ओपन होती हैं इन जनरल, राइट। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 11 तारीख को उन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन की उन्होंने समय बताया कि 11 से लेकर 17 तारीख 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन ही चलेगा। दैट मीन्स तो कई लोग ना मेरे को भाई जो अगेन क्लाइंट्स सर वो तमिलनाडु का तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, सर केरला का तो खत्म भी हो गया, पुदुचेरी का खत्म हो गया, तो वही मैं रिपीट करता हूँ हर स्टेट का रूल अलग हो सकता है रजिस्ट्रेशन के मामले में। और मैं बार बार कहता था कोई भी स्टेट सीट एलोकेट नहीं कर सकता था एमसीसी राउंड वन से पहले, तो जो इनकी प्रोसेस चलती है जो आपको बड़ा क्लियर दिखेगा जब हम दूसरा देखेंगे कि स्टेट्स हैज टू फॉलो एमसीसी, एमसीसी जब राउंड वन खत्म करने वाला होगा तो स्टेट्स अपना स्टार्ट करेंगे, वो हम अभी देखेंगे। तो देखिए फिर से इन्होंने बोला 11 से स्टार्ट होगा, 11 हो 12 हो कुछ नहीं कर सकते, 6 दिन का टाइम देते हैं रजिस्ट्रेशन करने का, और ऑनलाइन पेमेंट जो लोग सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जाएंगे उन्हें 11,000 पे करने होंगे, जो डीम्ड के लिए भी जाएंगे वो 2,05,000 एज पर लास्ट ईयर, इस साल क्या मांगेंगे देखते हैं, और 3 बजे तक आप फीस पे कर सकते हो। साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट कर देंगे जो 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक रहेगी। तो एक तरफ वो चल रहा है एक तरफ ये, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट होती है, हमेशा ध्यान कीजिएगा कि जो चॉइस लॉक है ना वो फिक्स कर रखा है कि वो 18 तारीख को ही होगा विच इज मंगलवार। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चॉइस लॉक ना कभी इससे पहले होता ही नहीं है, तो हम चॉइस फिलिंग भी कर लें, लॉकिंग करनी बहुत जरूरी होती है, इसमें ऑटोमेटिक लॉकिंग नहीं होती है, और ये जो लॉकिंग है ना ये हमेशा एक सर्टेन टाइम पीरियड में होती है, और बहुत रश हो जाता है उस दिन, अक्सर फिर एक्सटेंड हो जाती है एक दिन के लिए, बट स्टिल क्योंकि तो सोचिए ना पूरा हिंदुस्तान के लोग इसी 5 घंटे में चालू हो जाएंगे 18 तारीख को चॉइस लॉक करने के लिए, ठीक है। हम भी तैयार रहते हैं बिल्कुल, वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑलवेज टू फिनिश दिस वर्क फॉर यू पीपल जिनकी काउंसलिंग सब कुछ हम कर रहे हैं। उसके बाद 18 को चॉइस लॉक हो गया, वो कह रहे हैं कि 19-20 को सीट अलॉटमेंट कर देंगे, जनरली प्रोविजनल रिजल्ट आता है पहले, अभी उन्होंने नहीं दिया हुआ है सो दैट एनीबॉडी कैन क्वेश्चन, और रिपोर्टिंग का टाइम भी दिया है 22 से 28। और फिर से एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोग मुझसे लोन की बात करते हैं, तो देखिए 21-22 तारीख को आपको पता चलेगा 28 लास्ट डेट है, टोटल 5 दिन होते हैं रिपोर्ट करने के लिए। लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था क्योंकि बहुत कोविड चल रहा था, इन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी अलाउ की थी,
इस साल का पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट मीन्स आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ा था, अदरवाइज डीम यूनिवर्सिटीज या देखिए ऑल इंडिया कोटा तो पूरी इंडिया में फैला हुआ है ना, तो अगर आपको जाके रिपोर्ट करना है, जिनको सीट लेनी है, तो फिर आपको पूरी इंडिया में ट्रैवल करना है, तो पहले आपको सीट पता चलती है, फिर आप टिकट बुक करते हो, सारे काम 5 दिन में करने होते हैं, तो आप कैसे लोन ले लोगे? तो खासकर जो डीम्ड वाले होते हैं, प्राइवेट वाले होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर की फीस का इंतजाम या आप खुद रखिए या बैंक वालों से ऐसी बात करके रखिए कि वो 1 दिन के नोटिस पे आपको लोन सेंक्शन करें, वरना जो भी ये अमाउंट है ये आपके पास रेडी होना चाहिए। और टोटल जैसा कि हमने देखा कि 20 दिन तक तकरीबन एक राउंड चलता है, फिर डेफिनेटली जब राउंड 2 स्टार्ट होगा तो वो 28 तारीख के बाद होगा, उन्होंने फिर से गैप दे दिया 2 से लेकर 7 तारीख का, सेम थिंग, फिर चॉइस लॉकिंग होगी, और फिर से आप नोट कीजिए तो ये 18 नवंबर। सो मोटा मोटी हर जगह 18 से 20 दिन का गैप होता है। मॉप अप राउंड जो हम जानते ही हैं, लास्ट ईयर तो हमेशा ऑनलाइन ही होता है, उसमें फिर से 28 दिन, 23 तारीख से लेकर 4 से 10, विच इज अगेन 18 से 20 दिन, राइट? सो 18 से 20 दिन का ग्राउंड है, और इसमें स्पेशली लिखा गया है ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइंट वेकेंट पे सीट टू डीम्ड, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपना स्ट्रे मॉप अप अपने कॉलेज में करती हैं। सरकारी का ऑनलाइन ही होगा, 2020 तक सरकारी कॉलेजेस का स्ट्रे मॉप अप राउंड हर कॉलेज में होता था। देखिए हर एक में तो नहीं होता था, सारे एम्स का एम्स में हो जाता था, जिपमर का जिपमर में, एएमयू का एएमयू में, और ऑल इंडिया कोटा की तो सीटें राउंड 3 या मॉप अप तक वापस चली जाती स्टेट में ना, पर 2021 में बहुत मेजर रूल चेंज हुआ था कि ऑल इंडिया कोटा की सीटें वापस स्टेट्स को नहीं जाएंगी, करेक्ट? 21 में चेंज हुआ था, 20 में नहीं। और मैं आपको यही याद दिलाऊं, कई बार ना मेरे पास जो फोन आते हैं ना, तो लोगों के पास जानकारी होती है पुरानी, सर मेरे जानकार थे 4 साल पहले, सर मेरे जानकार थे 3 साल पहले, चाहे कट ऑफ हो चाहे रूल्स हो, दे कीप ऑन चेंजिंग सो मच। और मैं आपको 2-3 और इसके सबूत दिखाऊंगा। तो इस साल क्या रूल आएगा अभी हमें पता भी नहीं है, जब ब्रोशर आएगा, ब्रोशर हम पढ़ते हैं, हमें आदत है क्या पढ़ना है, और फिर हम बताते हैं कि क्या होने वाला है। स्टेट्स कीप ऑन चेंजिंग देयर रूल, 70-70 पेज के ब्रोशर, हमें एक्सपर्टीज है पढ़ने की। तो कभी भी ना ये मत सोचा कीजिए, मेरे पास एक ना लीड आई बात करने के लिए, कहते हैं सर एडमिशन तो पॉसिबल ही नहीं है एजेंट के बिना। एक तो मैं कह सर मुझे एजेंट मत कहो, मुझे ना शब्द बड़ा बुरा लगता है, और दूसरा मैंने कहा आप जिससे पूछ के आए हो क्या उसके बच्चे का एडमिशन 15 साल पहले हुआ था? कहते हैं एक्चुअली हाँ जी, अबाउट 11-12 साल पहले। मैंने कहा हाँ, तब नीट नहीं था, तब हिंदुस्तान में हर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन एजेंट के थ्रू होता था, लेकिन अब 90% काउंसलिंग के थ्रू होता है, और बाकी जो 2-4% सीटें होती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो भी मुझसे बात करता है कि वो कैसे होता है, राइट? हमेशा कहते हैं, सबको मालूम ही है कि स्टे मॉपअप में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता, मॉपअप में भी होता है, जो मॉपअप में आपने चॉइस फिलिंग की थी वही स्टे मॉपअप में चलती है, तो स्टे मॉपअप तो वैसे भी कॉलेज बाय कॉलेज होता है, राइट? तो खैर इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तो बता दूंगा। तो सरकारी फिर से ऑनलाइन है, और इसका नुकसान ये हुआ है, देखिए सरकारी में हम लास्ट तक ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो 2020 तक भर भर के सीटें बचती थी, तो पिछले साल मैं आपको याद करूँ 2 मेजर रूल चेंज हुए जिनकी वजह से ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीटें बहुत कम रह गई, डीम्ड की एनआरआई और सरकारी कॉलेज का फिजिकल हैंडीकैप सीट। देखिए 5% रिजर्वेशन होता है हिंदुस्तान में, और इतने तो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं करते। तो होता क्या था, राउंड 3 के बाद, मतलब मॉपअप के बाद, ये फिजिकल हैंडीकैप सीटें बनती थी नॉर्मल सीट में। सो जनरल फिजिकल के हैंडीकैप, मतलब जनरल बन जाएगी, एससी फिजिकल हैंडीकैप एससी बन जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट ईयर हमारे सामने की बात है, मेरा स्टूडेंट था जिसको इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब फिजिकल हैंडीकैप कन्वर्ट हुआ था शेड्यूल ट्राइब में, और उसको वो सीट मिल गई थी एक बिल्कुल टॉप कॉलेज में दिल्ली के, आप नाम समझ ही जाएंगे, गर्ल्स कॉलेज जो दिल्ली का नंबर 1 है, और आप उसका लास्ट ईयर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक शेड्यूल ट्राइब फिजिकल हैंडीकैप की सीट लास्ट तक बची हुई थी, क्योंकि उतने बच्चे मिलते ही नहीं है जो शेड्यूल ट्राइब भी हो फिजिकल हैंडीकैप भी हो और गर्ल भी हो, राइट? इन केस ऑफ लेडी हार्डिंग। सो डीम्ड में इसी तरह एनआरआई सीटें कन्वर्ट होती थी राउंड 3 के बाद। लास्ट ईयर सबसे बड़ा चेंज हुआ वो ये हुआ कि राउंड 3 के दौरान चेंज हो जाएंगी। अब बाद और अब दौरान का फर्क मैंने एक बहुत तसल्ली से समझाया था एक वीडियो में, वो यही था कि वो मुझे हाथ से इशारा करना पड़ता है कि बेसिकली आप क्विकली समझ लीजिए, अगर किसी कॉलेज में 10 सीटें नॉर्मल थी और 12 सीटें एनआरआई थी, जो अक्सर ड्यून में होता है, या 20 सीटें और राउंड 3 में खाली 2 एनआरआई नहीं अप्लाई करा है
काउंसलिंग के लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज में थ्रू ऑनलाइन, तो बाकी 18 सीटें तो हमें पता ही है कि वेस्ट होने वाली है। 2020 तक वो 18 सीटें स्ट्रे मॉपअप में जाके नॉर्मल सीट बनती थी, और इसलिए स्ट्रे मॉपअप में आपको हर डीम्ड में 20-25-30 सीटें मिलती थी। पिछले साल से रूल क्या बदल गया कि राउंड थ्री के दौरान ही जब कंप्यूटर ने देख लिया एक तो मार्क माई वर्ड कि भाई सीटें 20 हैं, एप्लीकेशन ही 2 बच्चों की हैं, तो बाकी 18 को वो नॉर्मल सीट अपने आप बना के नॉर्मल बच्चों को एलोकेट कर देता है जो NRI नहीं थे, और यही हुआ सरकारी में फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए। तो इसकी वजह से ना स्ट्रे मॉपअप की वैल्यू काफी कम हो गई है, सीटें बहुत कम हो गई हैं, अब सिर्फ वो सीट बचती है जो मॉपअप भरते हैं, सीट एलोकेट कराते हैं और मॉपअप में ज्वाइन नहीं करते, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो वो सीट खराब जो कर देते हैं वही सीट स्ट्रे मॉप वैकेंसी में बचती है। तो ये शेड्यूल हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ इसका, आपको अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि मैं कह रहा कि 2020 तक तो बहुत सीटें थी, और अब आप स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल जो मैंने कहा था आप देखोगे तो स्टेट काउंसलिंग को MCC ने क्लियरली बोल दिया कि वो हमें पीछे पीछे से फॉलो करेगा। तो देखिए फर्स्ट राउंड टू ऑल इंडिया कोटा का 11-20 है, और हमने देखा था कि रिपोर्टिंग तो 28 तक है, तो इनको क्या कहा गया है कि आप 17 से शुरू करके 4 तक, चलो 7-8 दिन पीछे चलिए, तो जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है तमिलनाडु एक्सेट्रा वगैरह का, वो जो अपना वो होता है ना काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब चॉइस फिलिंग भी चाहे वो पहले कर ले उनकी मर्जी है, लेकिन जो रिजल्ट है ना रिजल्ट वो ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसलिंग से पहले नहीं देंगे। तो सारे स्टेट इस तरह से फॉलो करते हैं। ब्रॉडली हम ये देख सकते हैं कि उम्मीद इस बार ये है कि दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट तक कॉलेज स्टार्ट हो जाए। वैसे इन लोगों ने तो ये बोला है कि 15 नवंबर तक ही स्टार्ट करो, जो कि बहुत गलत है। जब आप राउंड थ्री ही 15 नवंबर की बात कर रहे हो जो कि बहुत पॉपुलर राउंड है, तो कैसे आप 15 नवंबर को कॉलेज स्टार्ट करते हो? आई थिंक इट इज मोर ऑफ एन एडवाइजरी। जितने भी समझदार कॉलेज होंगे वो काम पढ़ाई तो 20 दिसंबर के बाद ही स्टार्ट करेंगे, वरना उनको बच्चों को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, क्योंकि अब जो लोग कट ऑफ खासकर MCC की ना, ये आर्काइव में जाओगे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस साल के तो 2 हैं, ये है लास्ट ईयर के सारे। अब एडमिटेड कैंडिडेट्स इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इससे अच्छा कुछ नहीं मिलता आपको। और आप ये देखिए तो आप क्या पाएंगे कि मैंने कहा ना कि कोई भी आप कॉलेज ले लीजिए, हमदर्द 4-5 सीटें टोटल एडमिशन हुए, जबकि NRI सीटें बहुत ज्यादा थी। SBKS वडोदरा वाला एक एडमिशन। अब लोग कहते हैं सर देखिए लास्ट तक वेट करा तो हमें MMU बुलाना 6,22,000 रैंक वाले को मिल गया। तो मैं देखिए मेरे NRI सीट थी और ये कन्वर्ट, तो मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ, ये जो सीटें हैं ये इसलिए बचती हैं कि जिन्होंने राउंड थ्री में भी एडमिशन मॉपअप राउंड भर के एडमिशन नहीं लिया, तो उसकी वजह से कुछ सीटें हैं जो बच जाती हैं, जो लोगों ने मॉपअप राउंड में फॉर्म फिल करा लेकिन बाद में सीट नहीं ली। बट दैट डजंट मीन कि सारी आपको ऐसे मिलेंगी। तो आप फॉर दैट मैटर तो कस्तूरबा में भी आपको सीटें खाली दिखेंगी, लेकिन जो पहले होता था ना कि हर कॉलेज में 25-25-30-30 सीटें स्टे मॉपअप में जाती थी सारी NRI वाली, वो आप देखोगे बहुत कम रह गई हैं। श्री सिद्धार्थ तुमकुर में खाली 2 थी, यनोकोला में खाली 1 थी, अमृता में खाली 1 थी, क्योंकि अमृता की सारी NRI की सीटें जब राउंड 3 में कन्वर्ट होकर बच्चों को मिली तो बच्चों ने ले ली, राइट। और कुछ ही जगह पर आपको दिखोगे कि आपको राउंड 4 में जहाँ सीटें थोड़ी सी ज्यादा ढंग से नजर आ रही है। अब मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, बस वही कॉलेज होते हैं जहां पर थोड़ा सा संभव होता है एडमिशन दूसरे प्रोसेस से। क्लियर है? तो ये आ गया है, जैसे जैसे ब्रोशर आएगा मैं आपको बता दूंगा क्या चेंजेस है इस साल। सबसे बड़ा चेंज हमें मालूम ही है कि इस बार ये कोशिश ये कर रहे हैं कि राउंड 2 में अगर कहीं भी एडमिशन हो जाए तो आप किसी भी स्टेट वगैरह में नहीं जा सकते। रूल तो ये पुराना ही है, अगर आप MCC का ब्रोशर देखो तो हमेशा ही कहते हैं, इसको बोलते हैं एग्जिट काउंसलिंग, कि राउंड 2 में एडमिशन होते ही अगर आपने सीट एलोकेट कर लिया तो यू शुड एग्जिट एंड वी कैनॉट गो फॉर अपग्रेड एंड वी कैनॉट गो फॉर एनी स्टेट काउंसलिंग। लेकिन लोग स्टेट्स में चले जाते थे, सीट मिल जाती थी तो फिर डीम्ड में जाके विड्रॉ कर लेते थे, क्योंकि वो विड्रॉ की सुविधा डीम्ड वाले देते थे राउंड 2 के 7-8 दिन बाद तक, तब तक वो स्टेट का रिजल्ट आ जाता है जो हमने अभी शेड्यूल देखा। इसी को रोकने के लिए वो नया रूल लाए गए हैं। बाकी तो क्लियर है कि NMC का रूल अक्रॉस ऑल इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, और जिन स्टेट्स में ऑलरेडी लागू वो न्यूज़ आ रही है ना, मैं सबको समझा रहा हूँ वो पहले ही लागू है।
सो चूंकि हम मेरा भी व्यूअर शायद ज्यादा नॉर्थ इंडिया के हैं, तमिलनाडु केरल इन सब जगह तो पहले ही प्राइवेट कॉलेजों में 40% 50% गवर्नमेंट फीस की सीटें थी, तो वही एनएमसी का रूल तो है। लेकिन नॉर्थ से हम स्टार्ट करें तो हिमाचल हरियाणा यूपी उत्तराखंड राजस्थान इनमें से छत्तीसगढ़ इनमें से किसी जगह भी हमको ये रूल फिलहाल इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जहां पर भी ये लोअर फीस नहीं थी वहां पर तो नहीं। मध्य प्रदेश में वैसे मेधावी छात्र योजना के चक्कर में आधी सीटें मतलब सरकार फी पे करती है प्राइवेट कॉलेजेस को एनीवे। तो ये है पूरी कहानी और बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। और हमसे जो संपर्क करना चाहते हैं हमारी नॉलेज लेना चाहते हैं फील फ्री टू कॉल 9643362320। और मैं हमेशा कहता हूँ कि काम किसी से भी कराइए, शायद हमसे एक बार बात जरूर कीजिए, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है और कैसे करना है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, केरला पुंडिचेरी तमिलनाडु उड़ीसा, इसके अलावा अभी कोई रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट का स्टार्ट नहीं हुआ, तो चिंता ना कीजिए। एक्चुअली दो के तो खत्म हो गया, उड़ीसा का भी स्टार्ट हुआ है, तमिलनाडु का कल लास्ट डेट था वो भी खत्म हो गया। ओके, सो बेस्ट विशेस बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।